ओम शांति। आज 27 मार्च 2024 और आज है हमारी प्यारी प्यारी मीठी मीठी परम आदरणीय परम श्रद्धेय दादी जानकी जी का स्मृति दिन। दादी जानकी जी की स्मृति आते ही जैसे ज्ञान का खजाना सामने आ जाता है। दादी जानकी का हमेशा बाबा की मुरली से इतना प्यार रहता था और बाबा की मुरली को बार बार पढ़ करके चिंतन करके उसमें से ऐसे रत्न निकालते थे जो ऐसा महसूस होता कि वाह, ये तो एक अनोखी बात दादी ने सुनाई। ऐसे दादी के कई क्लासेस है जो कई लोगों के लिए ऐसी छाप छोड़ देता था और जिस छाप से वो अपने जीवन को भी वैसा बनाना आरंभ कर देते थे। तो दादी जानकी ने ही यज्ञ के अंदर ये ब्लेसिंग कार्ड्स का इन्वेंशन किया था, क्योंकि जब डॉक्टर ने उन्हें बोलने के लिए मना किया था, लेकिन दादी के मन में यही रहता था कि मेरे पास कोई भी व्यक्ति आए और बाबा के दो रत्न न वो उसको प्राप्त हो, ऐसे कैसे हो सकता है। तब उन्होंने ये ब्लेसिंग कार्ड्स बनाए कि हर एक को कम से कम एक ब्लेसिंग कार्ड दिया जाए तो बाबा के वचन उन्हें प्राप्त हो जाएंगे। और सचमुच आज हर एक का ये अनुभव है कि जो ब्लेसिंग कार्ड हमें मिलता है किसी से भी, बड़ों से या कोई ना कोई विशेष त्योहारों पर, रक्षाबंधन पर, तो जरूर वही बात आती है जो हमारे जीवन से कनेक्टेड होती है। तो इतना डीप रियलाइजेशन देता है कि ऐसे कैसे हो सकता है कि बाबा ने हमें वही ब्लेसिंग कार्ड दिया या दिलाया। तो इसीलिए दादी जानकी की अनेक विशेषताएं हैं, लेकिन सबसे अधिक दादी का बाबा से, मुरली से और मधुबन से बहुत प्यार था। इसी के आधार पर गाना बना था, मैंने पाए तीन रतन, एक बाबा, एक मुरली, एक मधुबन। और ये गीत भी दादी का एकदम फेवरेट गीत था। तो सुनते हैं आज के बाबा के मधुर महावाक्य और फिर दादी की अनमोल शिक्षाएं। ओम शांति। मीठे बच्चे, सत्य सुनाने वाला एक बाप है, इसलिए बाप से ही सुनो, मनुष्य से नहीं। एक बाप से सुनने वाला ही ज्ञानी है। आज की मुरली से प्रश्न है, जो आत्माएं अपने देवी देवता घराने की होगी उनकी मुख्य निशानी क्या होगी? उत्तर, उन्हें यह ज्ञान बहुत अच्छा और मीठा लगेगा। वह मनुष्य मत को छोड़ ईश्वरीय मत पर चलने लग पड़ेंगे। बुद्धि में आएगा कि श्रीमत से ही हम श्रेष्ठ बनेंगे। अभी यह पुरुषोत्तम संगम युग चल रहा है, हमें ही उत्तम पुरुष बनना है। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चे, आत्म अभिमानी भव। देह का अभिमान छोड़ अपने को आत्मा समझो। यह भी जानते हो परमात्मा एक है। ब्रह्मा को परमात्मा नहीं कहा जाता है। ब्रह्मा के 84 जन्मों की कहानी को तुम जानते हो। बाबा कहे, ब्रह्मा के 84 जन्मों की कहानी को तुम जानते हो। उनका यह है अंतिम जन्म, मुझे आना भी इसमें ही होता है। जिसने पूरे 84 जन्म लिए हैं उनको ही बताता हूं, तुम 84 जन्म को नहीं जानते हो, मैं ही तुमको बताता हूं। पहले पहले तुम ये देवी देवता थे, अब यह बनने के लिए फिर पुरुषार्थ करना है। पुनर्जन्म तो पहले जन्म से ही शुरू होता है। बाबा कहे, पुनर्जन्म तो पहले जन्म से ही शुरू होता है। अब बाप कहते हैं,
मैं जो तुमको सुनाता हूं वह है राइट, बाकी जो कुछ तुमने सुना है वह है रॉन्ग। मुझे कहते हैं ट्रुथ, सत्य बोलने वाला। मैं सत्य धर्म की स्थापना करने आता हूं। कहा जाता है सच तो बिठो नच, अर्थात सच्चे हो तो खुशी में डांस करो। यह है ज्ञान डांस। वो लोग श्री कृष्ण को दिखाते हैं, मुरली बजाई, रास किया। वह है सचखंड के मालिक, लेकिन इनको भी बनाने वाला कौन? अब कहे इस सोचो, इनको भी बनाने वाला कौन? सचखंड की स्थापना करने वाला कौन? वह है सचखंड, यह है झूठखंड। भारत सचखंड था जब इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था। उस समय और कोई खंड नहीं था। मनुष्य ये नहीं जानते कि स्वर्ग कहाँ है। कोई मरते हैं तो कहते हैं स्वर्गवासी हुआ। बाप समझाते हैं, तुम उल्टे लटक पड़े हो, माया के अधीन हो पड़े हो। अब तुमको बाप आकर सुल्टा बनाते हैं। तुम जानते हो भक्तों को भक्ति का फल देने वाला है भगवान। इस समय सब भक्ति में है। जो भी शास्त्र आदि है सब है भक्ति मार्ग के। ये गीत गाना आदि सब है भक्ति मार्ग। ज्ञान मार्ग में भजन होता नहीं। तुम जानते हो हमको आवाज से परे जाना है, वापस जाना है। बाप कहते हैं मीठे बच्चों, मुख से हे भगवान भी कभी नहीं कहना। यह भी भक्ति मार्ग है। कलयुग के अंत तक भक्ति मार्ग चलता है। अब यह है पुरुषोत्तम संगम युग, जबकि बाप आकर ज्ञान से तुमको उत्तम पुरुष बनाते हैं। तुम एक ईश्वरीय मत पर चलो, जो ईश्वर कहते हैं वह राइट है। बाबा मनुष्य तन में आकर सुनाते हैं। तुम कितने समझदार थे, अब कितना बेसमझ बन पड़े हो। तुम गोल्डन एज में थे, अब आयरन एज में आ गए हैं। तो बाबा कहे तुम गोल्डन एज में थे, अब आयरन एज में आ गए हो। यहाँ का जो होगा उनको यह ज्ञान बहुत अच्छा लगेगा, यहाँ वालों को मीठा लगेगा। जो बाबा का बच्चा होगा उनको ये ज्ञान बहुत मीठा लगेगा। ये बाबा खुद भी गीता पढ़ते थे। बाबा मिला तो सब कुछ छोड़ दिया। गुरु भी बहुत किए। बाप ने कहा ये सब भक्ति मार्ग के गुरु है। ज्ञान मार्ग का गुरु मैं एक ही हूं। ज्ञान जब मेरे से सुने तब उनको ज्ञानी कह सकते हैं। बाकी सब है भक्त। श्रीमत ही श्रेष्ठ है, श्रीमत ही श्रेष्ठ है, बाकी सब है मनुष्य मत। यह है ईश्वरीय मत, वह है रावण मत। एक है मनुष्य मत, एक है ईश्वरीय मत और एक है रावण मत। यह है भगवान की मत। भगवान वाच, तुम कितने महान भाग्यशाली हो, इसलिए तुम्हारा हीरे जैसा जन्म अभी है। अंगूठी में भी हीरा बीच में डालते हैं। माला के ऊपर फूल होता है, फिर मेरू। नाम भी है आदम बीबी। तुम कहेंगे मम्मा बाबा, आदि देव और आदि देवी। यह है संगम के संगम युग ही सबसे उत्तम है, जबकि इस राज्य की स्थापना हो रही है। तुम बच्चों को 16 कला संपूर्ण यहां बनना है। पुरानी दुनिया को नया बनाने बाप आते हैं। इस दुनिया का ड्यूरेशन कितना है यह भी तुम बच्चों के सिवाय कोई नहीं जानते। लाखों वर्ष कह देते हैं, यह सब है झूठी बातें। झूठी माया, झूठी काया, झूठा सब संसार कहा जाता है। सच्ची सच्ची है ही नई दुनिया, यह है झूठ खंड। फिर झूठ खंड को सच खंड बनाना
बाप का ही काम है। बाप कहते भक्ति मार्ग में जो कुछ पड़ा है वह सब भूलो, यह है तुम्हारा बेहद का वैराग्य। वो तो सिर्फ घर बार छोड़ फिर इस दुनिया में जंगल में चले जाते हैं। बाबा कहे दुनिया के सन्यासी जो है घर बार छोड़ फिर इस दुनिया में जंगल में चले जाते हैं, यह भी ड्रामा में नूंद है। क्यों का सवाल नहीं उठता, ये तो बना बनाया खेल है। तुम बच्चों को बाप समझाते हैं ऐसे ऐसे होता है, और जो भी धर्म वाले हैं वह स्वर्ग में नहीं आ सकते। बाबा ने यह भी समझाया कि और सब धर्म वाले जो है वह स्वर्ग में नहीं आ सकते, बौद्ध डिनास्टी क्रिश्चियन डिनास्टी कोई भी स्वर्ग में नहीं आते हैं, वह पीछे आते हैं। पहले पहले हैं डीटी डिनास्टी, फिर इब्राहिम बुद्ध क्राइस्ट आकर अपना धर्म स्थापन करते हैं। बाबा पुरुषोत्तम संगम युग पर आकर के यह डीटी डिनास्टी स्थापन करते हैं। कोई भी आत्मा आती है तो गर्भ में ही है, छोटा बच्चा सो बड़ा हुआ। शिव बाबा तो छोटा बड़ा नहीं होता, न वह गर्भ से जन्म लेता है। बुद्ध की आत्मा ने प्रवेश किया, बुद्ध धर्म पहले तो होता नहीं, जरूर यहाँ के कोई मनुष्य में प्रवेश करेंगे, फिर गर्भ में तो जरूर जाएंगे। बुद्ध धर्म एक ने ही स्थापन किया, फिर उनके पीछे और आते गए, फिर वृद्धि होती गई। जब लाखों हो जाते हैं तो फिर राजाई चलती है। बौद्धियों का भी राज्य था। बाप समझाते हैं ये सब पीछे आते हैं, उनको गुरु नहीं कहा जाता। गुरु होता है एक, वह तो अपने धर्म की स्थापना कर फिर नीचे आ जाते हैं। बाप ने सबको ऊपर भेज दिया था, फिर मुक्ति धाम से एक एक करके नीचे आते हैं। तुम भी जीवन मुक्ति से नीचे आते हो, वैसे वह फिर मुक्ति से नीचे आते हैं। उनकी महिमा काहे की, ज्ञान तो उस समय प्राय लोप हो जाता है। बाप ज्ञान देते हैं गति सदगति के लिए, वह गर्भ में नहीं आते, इसमें बैठे हैं। इनका दूसरा नाम नहीं। शिव बाबा गर्भ में नहीं आते, ब्रह्मा बाबा में बैठे हैं, इनका दूसरा नाम नहीं। शिव बाबा वो शिव के रूप में ही याद करते हैं। औरों के शरीरों का नाम है, यह है ही परमात्मा। यह ज्ञान का सागर है, यह ज्ञान पहले आदि सनातन देवी देवता धर्म वाली आत्माओं को मिलता है, क्योंकि उन्हें ही भक्ति का फल मिलना है। भक्ति तुम ही शुरू करते हो, तुमको ही फल देता हूं, बाकी दूसरे सब है बाई प्लॉट, वह 84 जन्म भी नहीं लेते हैं। बाप समझाते हैं बच्चे तुम अब देही अभिमानी बनो। वहां भी समझते हैं एक शरीर छोड़ दूसरा लेंगे, सतयुग में भी इतना तो समझते हैं हम एक शरीर छोड़ दूसरा लेंगे, दुख की बात नहीं, विकारों की बात नहीं। विकार होते हैं रावण राज्य में, वह है निर्विकारी दुनिया। तुम समझाएंगे फिर भी मानते नहीं हैं। कल्प पहले मिसल जो मानते हैं वही पद पाते हैं, जो नहीं मानते हैं वह नहीं पाते हैं। सतयुग में सभी पवित्र सुख शांति में रहते हैं, सब मनोकामनाएं 21 जन्म के लिए पूरी होती है। बाबा कहे सब मनोकामनाएं 21 जन्म के लिए पूरी हो जाती है, सतयुग में कोई कामना नहीं। अनाज आदि सब कुछ अथाह मिल जाता है, यह बॉम्बे पहले नहीं थी, सतयुग में बॉम्बे नहीं थी। देवताएं खारे जमीन पर नहीं रहते हैं, मीठी नदियां जहां थी वहां देवताएं थे, मनुष्य थोड़े थे। एक एक को बहुत जमीन होती है, दिखाते हैं
सुदामा ने दो मुट्ठी चावल दिए, महल मिल गए। मनुष्य दान पुण्य करते हैं ईश्वर अर्थ। अब वह कोई भिखारी है क्या? ईश्वर कोई भिखारी है क्या? ईश्वर तो दाता है। समझते हैं ईश्वर दूसरे जन्म में बहुत कुछ देगा। तुम दो मुट्ठी देते हो, नई दुनिया में बहुत कुछ लेते हो। तुम खर्चा करके सेंटर आदि बनाते हो, सबको शिक्षा मिले, अपना धन खर्च करते हो, फिर राजाई भी तुम ही लेते हो। बाप कहते हैं मैं ही तुमको अपना परिचय देता हूं। मेरा परिचय कोई को है नहीं, न मैं किस तन में आता हूं। बाबा कहे और किसी तन में मैं नहीं आता हूं, मैं आता ही एक बार हूं, जब पतित दुनिया को चेंज करना है। मैं हूं ही पतित पावन, मेरा पाठ ही संगम युग पर है, सो भी एक्यूरेट समय पर आता हूं। तुमको यह थोड़ी पता पड़ता है कि शिव बाबा इसमें कब प्रवेश होता है। श्री कृष्ण की तिथि तारीख मिनट घड़ियां लिखते हैं, इनका कोई मिनट आदि नहीं निकाल सकते। ये ब्रह्मा भी नहीं जानते थे कि शिव बाबा ने कब प्रवेश किया। जब नॉलेज सुनाई तब मालूम पड़ा। कशिश होती है इसमें तो कट चढ़ी हुई थी, जब परम पिता परमात्मा ने प्रवेश किया तो तुमको कशिश हुई और तुम भागे। इतने बच्चों को कशिश हुई और भागे, कोई भी तुमने परवाह नहीं की। बाप कहते हैं मैं तो संपूर्ण पवित्र हूं, तुम आत्माओं पर कट चढ़ी हुई है, अब वह कैसे निकले। ड्रामा में सब आत्माओं को अपना अपना पार्ट मिला हुआ है। ये बहुत गुह्य बातें हैं। आत्मा कितनी छोटी है, दिव्य दृष्टि के बिगर उनको कोई देख न सके। बाप आकर तुमको ज्ञान का तीसरा नेत्र देते हैं। तुम जानते हो हम आत्माओं को ही बाप पढ़ाते हैं। भक्ति मार्ग में तो ज्ञान है आटे में नमक, थोड़ा सा ही ज्ञान की बातें उसमें समाई हुई है। जैसे भगवान वाच अक्षर ठीक है, जैसे भगवान वाच अक्षर राइट है, फिर श्री कृष्ण कहने से रॉन्ग हो जाता है। मन मना भाव अक्षर ठीक है परंतु अर्थ नहीं समझते। माम एकम अक्षर राइट है, यह है गीता का एपिक यानी युग, यह है गीता का एपिक। भगवान इस समय ही इस रथ में आते हैं। उन्होंने दिखाया है घोड़ा गाड़ी, उसमें श्री कृष्ण बैठा है। अब कहां भगवान का यह रथ, कहां घोड़ा गाड़ी, कुछ भी समझते नहीं। ये बेहद के बाप का घर है, ब्रह्मा बाबा का तन यह बेहद के बाप का घर है। बाप सब आत्माओं को यानी सब बच्चों को 21 जन्मों के लिए हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस देते हैं। यह भी अनादि अविनाशी बना बनाया ड्रामा है। कब शुरू हुआ कह नहीं सकते, ये कोई बता नहीं सकते ये ड्रामा कब शुरू हुआ। चक्र फिरता ही रहता है, इस संगम का तो किसको मालूम ही नहीं। बाप बतलाते हैं यह ड्रामा 5000 वर्ष का है। आधा में सूर्यवंशी चंद्रवंशी, आधा में अर्थात 2500 वर्ष में बाकी और सब धर्म। तुम जानते हो सतयुग में है ही वॉइसलेस वर्ल्ड। तुम अभी योग बल से विश्व की राजाई लेते हो। क्रिश्चियन लोग खुद समझते हैं हमको कोई प्रेर रहा है, विनाश के साधन बनाने लिए प्रेर रहा है, जो हम विनाश के लिए ये सब कुछ बनाते हैं। कहते हैं हम ऐसे बॉम्ब्स बनाते हैं जो एक दुनिया तो क्या 10 दुनिया खत्म कर सकते हैं। बाप कहते हैं मैं हेवन स्थापन करने आया हूं, बाकी विनाश तो यह करेंगे।
बाबा विनाश नहीं करते, बाबा स्थापना करने आए हैं हेवन की, बाकी विनाश तो यह करेंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लते बच्चों प्रति, मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग, रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सभी रूहानी बच्चों की रूहानी मात पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज की मुरली से धारणा के लिए मुख्य सार है। पहली पॉइंट, बेहद का वैरागी बन। जो कुछ अब तक भक्ति में पढ़ा व सुना है वह सब भूलना है। एक बाप से सुनकर उनकी श्रीमत से स्वयं को श्रेष्ठ बनाना है। दूसरी पॉइंट, जैसे बाप संपूर्ण पवित्र है, उस पर कोई कट नहीं है, कोई जंक नहीं है, ऐसे पवित्र बनना है। ड्रामा के हर पाठधारी को एक्यूरेट पाठ है, ड्रामा के हर पाठधारी का एक्यूरेट पाठ है, इस गुह्य रहस्य को भी समझकर चलना है। आज का बाप दादा का मधुर वरदान हम बच्चों के प्रति है, बाप और वरदाता, इस डबल संबंध से डबल प्राप्ति करने वाले सदा शक्तिशाली आत्मा भव। बाप और वरदाता, इस डबल संबंध से डबल प्राप्ति करने वाले सदा शक्तिशाली आत्मा भव। सर्व शक्तियां बाप का वर्षा और वरदाता का वरदान है। बाप और वरदाता, इस डबल संबंध से हर एक बच्चे को यह श्रेष्ठ प्राप्ति जन्म से ही होती है। जन्म से ही बाप बालक सो सर्व शक्तियों का मालिक बना देते हैं, साथ साथ वरदाता के नाते से जन्म होते ही मास्टर सर्वशक्तिवान बनाए सर्वशक्ति भव का वरदान दे देता है। तो एक द्वारा ये डबल अधिकार मिलने से सदा शक्तिशाली बन जाते हो। आज का स्लोगन है, देह और देह के साथ पुराने स्वभाव, संस्कार व कमजोरियों से न्यारा होना ही विदेही बनना है। देह और देह के साथ पुराना स्वभाव, संस्कार व कमजोरियों से न्यारा होना ही विदेही बनना है। फिर हम सबके अति स्नेही बाप दादा के दिल पर राज्य करने वाली, अपने जीवन व कर्तव्य द्वारा गुणदान करने वाली, सदा विदेही स्थिति में रह ट्रस्टी बन, यज्ञ रक्षक बनने और बनाने वाली दादी जानकी जी का आज पुण्य स्मृति दिवस है। वे 27 मार्च 2020 को अव्यक्त वतनवासी बनी। उनके द्वारा मिली हुई अनमोल शिक्षाएं सदा हम सबके कानों में गूंजती रहती है। विशेष 11 शिक्षाएं दी है। पहली, अपने ऊपर आशीर्वाद करनी है तो सूक्ष्म अभिमान को परख कर उसे जल्दी से खत्म कर दो। दूसरी बात, अपनी अवस्था को ऐसा अचल अडोल बना लो तो समय संकल्प जरा भी व्यर्थ न जाए। तीसरी पॉइंट, दुनिया के दुख दूर करने के लिए इनोसेंट और मीठा बनो। दुनिया के दुख दूर करने के लिए इनोसेंट और मीठे बनो, मां समान पालना दो। चौथी बात, अधिक सोचने बोलने और चिंता करने से शक्ति खर्च होती है, साइलेंस में रहो तो शक्ति जमा हो। पांचवी बात, पर चिंतन व नफरत की निगाह को खत्म कर स्वचिंतन और प्रभु चिंतन करो। छठी पॉइंट, खुश नसीब व ब्लिसफुल रहना है तो बाबा की ब्लेसिंग लेते चलो। सातवीं बात, किसी की गलती चित पर न हो, चित साफ रखो तो चैन से रहेंगे। आठवीं पॉइंट, तपस्वी बनने के लिए त्यागी बनो,
जरा भी इच्छा व आसक्ति न हो। नवी पॉइंट, अपनी स्थिति ऊंची बनानी है तो याद में रहने का गुप्त अभ्यास करते चलो। साधारण बोलने व सुनने की आदत न हो। दसवीं पॉइंट, अपनी सतोगुणी दृष्टि वृत्ति द्वारा आपस में सतोगुणी व्यवहार से अपनी संपूर्णता को समीप लाओ। और ग्यारहवीं पॉइंट, अंतर्मुखी बन जाओ तो आठों ही शक्तियां सखी के रूप में साथी और सहयोगी बन जाएंगी। अच्छा, ओम शांति।